हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है तो है वो हाइड्रोजन से बना है, और सूर्य के प्रकाश में भी सबसे अधिक या सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन ऊर्जा है। सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दिए की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? दिए की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा चढ़ता? केशिक तप क्रिया, मतलब कैपिलरी एक्शन, केशिक तप क्रिया के द्वारा चढ़ता है। दिए की बत्ती में तेल किस क्रिया द्वारा चढ़ता है? केशिक तप क्रिया। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सोडियम जो है उसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ऊपर क्वेश्चन आ गया, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु तो क्या आएगा? जहां सोडियम का प्रतीक Na है। पोटेशियम, ये क्वेश्चन आ सकता है, पहले सोडियम आया था TA के पेपर में कि सोडियम का संकेत क्या है, तो Na पोटेशियम का संकेत, के पोटेशियम का संकेत के है। मिस कर दिया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन चार, क्वेश्चन नंबर 4, ताप बढ़ने से किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। भूकंप की तीव्रता की इकाई क्या है? अगर तीव्रता पूछा गया तो रिएक्टर स्केल आएगा, अगर गहनता पूछा गया भूकंप की गहनता तो सिस्मोग्राफ आएगा। तो क्या है? रिएक्टर स्केल। अगर पूछा गया भूकंप की गहनता मापने का यंत्र तो सिस्मोग्राफ आएगा, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? अपश्रव्य। भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं? भूकंप जब आता है तो अपश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप
भूकंप आने से पहले किस गैस में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है, रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग कहते हैं एस्टिगमेटिज्म, अंधुकता दृष्टि दोष को कहते हैं एस्टिगमेटिज्म। तो इसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है? बेल, तो इसका सही आंसर था बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है एस्टिगमेटिज्म में, एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है साइंटिफिकली जो है वो एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के भार की इकाई क्या है? है न्यूटन, बल की इकाई है न्यूटन। वस्तु के भार की इकाई न्यूटन, बल की इकाई भी न्यूटन है। प्रकाश की गति, द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति कितनी है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि पीछे मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, या तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा देंगे या फिर 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, अगर आपसे वहां पूछा गया कि प्रकाश की गति अगर इस फॉर्मूले में से नहीं पूछा गया तो कितने है? 300,000 किलोमीटर पर प्रकाश की गति है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में। सबसे कम? कांच में। प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है इस चीज का ध्यान रखना है, प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में और प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम कांच में होती है। द्रव्यमान की इकाई केजी होती है, या भार की इकाई न्यूटन ही आएगा भाई। वस्तु के भार की इकाई न्यूटन, द्रव्यमान की इकाई आएगा, द्रव्यमान की जो इकाई है वो केजी है, किलोग्राम है। तो उसको मैं अपने आप रिपीट कर दूंगा, पढ़ लूंगा मैं बार बार। एक 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 इंसान बोल सकता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खपत होती है किसी पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, तेज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो है ½mv². गतिज ऊर्जा का सूत्र ½mv² है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र MgH,
और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, एम जी एच स्मॉल लेटर में लिखना है, छोटी एबीसी में एम जी एच। पर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, अभी केंद्रीय बल का एम बी स्क्वायर, अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स होगा चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, उसका दोनों का फॉर्मूला सेम है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ओम्स लॉ का सूत्र, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का सूत्र वी इज इक्वल टू आई आर यस, बी इज इक्वल टू आई आर। इसको वो इनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, आई बराबर है वी आर भी कर सकते हैं एग्जाम में, आर बराबर है वी आई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तत्व होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तत्व होता है? तो होता है शून्य। छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तत्व है? तो चुंबक के मध्य में क्या होता है, वहां पे चुंबक तत्व जीरो होता है, शून्य होता है, होगी वो शून्य होगी, वहां पे मैग्नेटिक पावर कम होगी, जीरो जीरो होगी वहां पे। यस, छड़ चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तत्व होता है? शून्य। सकता है गर्म करके या पीट कर जो है चुंबक तत्व को खत्म किया जा सकता है। चुंबक का चुंबक तत्व कैसे खत्म किया जा सकता है? तो स्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? स्थाई स्थाई चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग होता है, और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। स्थाई चुंबक से स्थाई होगा, स से स्टील होगा, इसका ध्यान रखना है, तो आपका जो है कोरिलेट कर लिया करो, थोड़ा इजी रहता है याद रहने में। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग होता है। इसके दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग या अस्थाई चुंबक का प्रयोग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होगा, कच्चे लोहे का या क्वेश्चन दे गया तो उसको मैं बोल रहा हूं, सुनो जरा, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है? तो कार्बोहाइड्रेट है क्या, तो जैसे हमें एक दिन में एक इंसान को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है दिन में,
2400 कैलोरी, एक घंटे मतलब रख के चलो 100 कैलोरी एक, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से जो है शीघ्र ऊर्जा प्राप्त होती है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक जो है कार्बन।